आज हम जानने वाले हैं कि कक्षा 10 का स्कॉलरशिप का जो रिन्यूअल फॉर्म है उसे हम कैसे फिल करेंगे, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं और आपको पूरी तरीके से फॉर्म को फिल करके भी दिखाऊंगा। दोस्तों, स्कॉलरशिप का जो कक्षा 10 का रिन्यूअल फॉर्म हम पहले भर रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा था, इसके कारण से हम फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे। मगर दोस्तों, अब हमारा स्कॉलरशिप कक्षा 10 का रिन्यूअल फॉर्म होने लगा है तो इसे हम आपको पूरी तरीके से फिल करके आज दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल CSE बीएलई अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कक्षा 10 का फॉर्म रिन्यूअल करके दिखाते हैं कंप्लीट वीडियो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं scholarship.up.gov.in। यहाँ पे हम स्टूडेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे रिन्यूअल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे रिन्यूअल लॉगिन वाले ऑप्शन में यहाँ पहले नंबर पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन दिया है इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसे हम राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लेंगे और ये ओपन हो रहा है अभी। दोस्तों, वेबसाइट जैसे ही स्टार्ट हो गई है, इस पर लोड काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है। तो इस पर हम अपना कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। दोस्तों, ये रिन्यूअल फॉर्म है, ये कक्षा 9 में जो भी फॉर्म भरा होगा सिर्फ वही फॉर्म रिन्यूअल कर सकता है। अगर आपने कक्षा 9 में फॉर्म को फिल नहीं किया होगा तो आप कक्षा 10 के लिए नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो आप अपने चैनल पे बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे हम कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे। जो हमने कक्षा 9 में पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके पासवर्ड को फॉरगेट करा सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है और आप फॉरगेट नहीं करा पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना के अपने चैनल पे दे दूंगा। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल कर लेते हैं तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, चौथे नंबर पे दिया हुआ है आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ से आप ऊपर से तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसे आप छोड़ देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। यहाँ पे चौथे नंबर पे जो दिया है आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसे हमें चेंज करना है, जैसे कि यहाँ कक्षा में प्रवेश की तिथि, इसे हमें चेंज करना है। इसे हमें चेंज करके इस वर्ष की जो आपकी प्रवेश की तिथि होगी वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गत वर्ष का परीक्षा फल, गत वर्ष का मतलब होता है दोस्तों पिछले वर्ष का परीक्षा फल आपने पास किया है या फिर यहाँ पे प्रमोटेड आप हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पास हैं तो पास ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम पूर्णांक फिल करेंगे, कक्षा 9 का पूर्णांक हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्राप्तांक, कक्षा 9 में हमने कितना नंबर पाया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन को बढ़ाया गया है, किसी भी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए पहले राशन कार्ड का नंबर नहीं लगता था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप ध्यान देंगे, फॉर्म को भरने से पहले आप अपने पास राशन कार्ड की एक फ़ोटो कापी रख लेंगे। तो इसमें हम अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अन्य विवरण वाले में कक्षा जिसमें अध्ययनरत हैं, इसका मतलब यह हुआ आप जिस क्लास का फॉर्म भर रहे हैं उस क्लास को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम कक्षा 10 का रिन्यूअल कर रहे हैं तो हम कक्षा 10 पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, अगर आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अगर आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ नहीं है तो आप अपने कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से या आप अपने सर से पूछ के यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम जो दिया हुआ है
वो इसे ऐसे ही रहने देंगे, या फिर आपका अदर बोर्ड होगा तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर, मतलब इसका होता है टीसी का अगर आपके पास नंबर है तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम टिक मार्क करते हैं और यहाँ पे हम अपना कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हम यहाँ से अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आवेदन पत्र सत्र 22-23 के लिए सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। तो इसे हम यहाँ से, यहाँ जो होम का बटन दिया हुआ है आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये इस पर देखिए ग्रीन टिक लग चुका है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आय और जाति का जो नंबर पिछले साल हमने कक्षा 9 में भरा था, इसके वजह से यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है कि इसे हमें फिल नहीं करना है। और दोस्तों एक सवाल और भी रहता है कि आय प्रमाण पत्र का जो डेट ख़त्म हो जाता है उसको आप यहां से चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने 9 में आय प्रमाण पत्र लगाया था उसी आय प्रमाण पत्र को कक्षा 10 में भी रखना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें तो यहां पे ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने कक्षा 9 में प्रमाणित कर लिया है, यहां पे ऑथेंटिकेशन करा लिया है। उसके बाद आपको सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है, जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो फिल हुआ है, इसमें सिर्फ अभी तक यही जो ऑप्शन है सिर्फ यही ऑप्शन फिल हो पा रहा है, और यहाँ पे पंजीयन क्रमांक ही सिर्फ फिल हो पा रहा है और भी कुछ नहीं चेंज हो पा रहा है। जैसे भी आगे कुछ भी चेंज होना शुरू होता है तो हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। तो फिलहाल में आप इसे प्रिंट करके इसे आप निकाल लीजिए, आप अपने कॉलेज में चेक करा दीजिए कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं। उसके बाद यहां से आप बैक होंगे, उसके बाद यहां पे जो ऑप्शन सबसे लास्ट वाला दिया हुआ है संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो यहां पे आप क्लिक करके आप अपने आवेदन को प्रिंट करके आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो फिलहाल में इसे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, अगर हम इसे प्रिंट कर लेंगे तो ये हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो इसे हम कॉलेज में दिखाने के लिए इसको प्रिंट कर चुके हैं, यहाँ पे जांच हेतु आवेदन प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम कॉलेज में चेक करा लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ से संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्म है, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस पर जाके मुझे आप व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।